ये बॉम्बे बॉम्बे, यहाँ सब बदल जाए पर दरिया वही रहे। तो भाई मैं दलाल स्ट्रीट का दरिया हूँ, जिसमें दम है आके थोड़ा नमक चख। रिस्क है तो इश्क है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू जीकेएस गेमर। होप गाइस आप लोग बढ़िया होंगे और गाइस बढ़िया ही रहना। तो गाइस यार मैं आ गया एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे फ्री फायर में आने वाले एक न्यू पेट के बारे में, और साथ ही साथ बात करेंगे हमारे फ्री फायर में आने वाले कुछ नए इमोट्स के बारे में, जिनमें से यार कुछ इमोट्स आप लोगों को टोटली फ्री में देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस यार इसी गुड न्यूज के साथ यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को बता देते फटाफट कि यार आप लोगों को OB27 अपडेट में यार क्या कुछ नया देखने को मिलने वाला है। और गाइस यार OB27 अपडेट यार काफी बड़ा अपडेट होने वाला है, और इसमें यार आप लोग काफी सारे अपडेट देखने को मिलने वाले, मतलब काफी सारी स्किन्स भी देखने को मिलने वाली है। गाइस यार सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे फ्री फायर में आने वाले कुछ नए इमोट्स के बारे में, और ये इमोट्स यार आप लोगों को काफी सही देखने को मिलने वाले, मतलब यार काफी सारे इमोट्स देखने को मिलने ही वाले, और साथ ही साथ यार कुछ इमोट्स आप लोगों को टोटली फ्री में देखने को मिल जाएंगे। और इनमें से यार एक इमोट यार आप लोगों को रैंक टोकन के एक्सचेंज में देखने को मिलने वाला है। जैसा कि यार आप लोग जानते हो यहाँ पर यार बहुत दिनों से रैंक टोकन के एक्सचेंज में कोई भी अपडेट नहीं लाया गया है, तो यार इसी के रिगार्डिंग एक इमोट यार आप लोग अपना रैंक टोकन के एक्सचेंज में देखने को मिल जाएगा। और गाइस यार ये इमोट यार मैजिशियन थीम पर बेस्ड आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। काफी सही इमोट यहाँ पर दिया जा रहा है, और इसमें यार म्यूजिक का भी काफी ज्यादा अच्छा यूज किया गया है। ओवरऑल यार काफी सही इमोट यहाँ पर आप लोगों को टोकन एक्सचेंज में देखने को मिल रहा है, वो भी रैंक टोकन एक्सचेंज में, तो यार इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और गाइस यार इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, जिसमें बताया जा रहा है आपको यार काफी सारे इमोट यार देखने को मिलने वाले, और ये यार आप लोगों को पेड इमोट देखने को मिलने वाले, मतलब यार ये आपको फ्री में देखने को नहीं मिलेंगे। और ये इमोट्स यार काफी सही पर्सनली यार काफी ज्यादा अच्छे दिए जा रहे हैं, और थोड़ा बहुत यार कुंफू पर ये बेस्ड है अपना, यार ये कुंफू वाला इमोट अभी तक आया नहीं है, बाकी यार यहाँ पर काफी सारे यार अब इससे रिलेटेड इमोट्स आपको गेम में देखने को मिलने वाले हैं। और गाइस यार ये आप लोगों को OB27 अपडेट में देखने को मिल जाएगा। जैसा कि यार आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो सकता है कि यार ये अपने MR1 कैरेक्टर से रिलेटेड इमोट्स हो, क्योंकि यार MR1 अपने एक काफ़ी बड़े यार जाने माने हस्ती है, और यार ये अपने एक सिंगर और एक्टर दोनों ही है, तो यार हो सकता है कि यार ये आप लोगों को MR1 के कैरेक्टर के आपको इमोट देखने को मिल जाए। और गाइस यार इसी के साथ यार एक अपडेट और निकल के आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि यार OB27 अपडेट के बाद यार आप लोग अपना जो टुक टुक व्हीकल है यार वो आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, मतलब यार फ्री फायर से यहाँ पर टुक टुक व्हीकल को हटाया जा रहा है। बिकॉज यार यहाँ पर फ्री फायर में यार बंदे यार भागने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं यार टुक टुक व्हीकल को लेने के बजाय, तो यार इसलिए आप लोगों को टुक टुक व्हीकल जो है वो अब यार आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी, मतलब यार सही में यार आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। इसके बजाय यार आप लोगों को एक न्यू व्हीकल देखने को मिल सकता है, बाकी यार जैसे लीग यहाँ पर निकल के आती है आप लोगों को यार एक डेडिकेटेड वीडियो बना के दे दूंगा। और कैसे यार आप लोग भी जानते हो यार टुक टुक व्हीकल को यार कोई भी यूज़ नहीं करता यार, आप लोग भी जानते हो मैं भी जानता हूँ, किसी से भी नहीं छुपा है कि यार टुक टुक व्हीकल यार अपने फ्री फायर में एक बोझ बन के रह गया है, मतलब कोई भी बंदा यार इसको यूज़ नहीं करता। तो यार यहाँ पर फ्री फायर कम्युनिटी ने यार डिसाइड किया है कि आप लोगों यार टुक टुक व्हीकल जो है अब फ्री फायर से हटने वाली है, मतलब यहाँ पर लीक निकल के आ रही है ऐसा फुल यार मुझे पूरा, मतलब जैसे यार डिटेल में पता चलता है यार आप लोगों के लिए एक वीडियो बना के दे दूंगा। बाकी यार यहाँ पर अभी कुछ जो लीक निकल के आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि आप लोगों को टुक टुक व्हीकल यार अब फ्री फायर में देखने को नहीं मिलेगी, यार काफ़ी यार बुरी बात है। बाकी बहुत दिनों से यार अपने फ्री फायर में यार टुक टुक व्हीकल थी, तो यार काफ़ी यार बुरी बात है कि यहाँ पर अपने एक फ्री फायर में से एक पुरानी चीज़ हटाई जा रही है, और यार आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होगा। और गाइस यार इसी के साथ एक गुड न्यूज़ निकल के आ रही है कि यहाँ पर आप लोगों को एक न्यू व्हीकल देखने को मिलने वाली, काफ़ी अच्छी बात है। बाकी यार आप लोग कमेंट करके बताना कि यार आप अपने गेम में से यार टुक टुक व्हीकल को हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए, काफ़ी बुरा लग रहा होगा यार आप लोगों को भी। बाकी गाइस यार आप लोग कमेंट करके बताना कि यार ये वाली न्यूज़ आप लोगों को कैसी लगी कैसी नहीं लगी। तो गाइस यार आप लोग यार अपने गोल्ड जो है इकट्ठा करके रख लो, क्योंकि यार आप फ्री फायर में यार इतना तगड़ा वाला गोल्ड रॉयल आने वाला है ना कि यार आप लोग भी नहीं रह पाओगे ऐसे देखे बिना। और यार मैं जानता हूँ कि यार हर एक बंदे को ये पसंद आने वाला है, और इतना तगड़ा गोल्ड रॉयल होने वाला है ना, मतलब क्या ही बोले यार इसके बारे में। तो तुम लोग भी देख लो यार, मैं भी देख लेता हूँ, एक झलक यहाँ पर निकल के आई है गोल्ड रॉयल की अपनी, काफ़ी सही गोल्ड रॉयल बताया जा रहा है, आप लोग भी देख लो यार कितना सही गोल्ड रॉयल यहाँ पर अवेलेबल कराया जा रहा है। और मैं कह रहा हूँ यार गोल्ड वोल्ड इकट्ठा करके रखना, क्योंकि वहाँ पे कम पड़ जाएंगे, क्योंकि यार तुम लोग भी जानते हो कि यार फ्री फायर वाले इतने बड़े लुटेरे हैं ना, मतलब यार डायमंड नहीं छोड़ते तो गोल्ड क्यों छोड़ेंगे ये लोग, यार फ्री की चीज़ें तो यार और ज़्यादा लूटेंगे, इसलिए यार मैं कह रहा हूँ गोल्ड इकट्ठा करके रखना, इस बार वाउचर से काम नहीं बनने वाला है।
तो गाइस यार अब आप लोगों को बता देता हूँ फटाफट यार अपनी नेक्स्ट अपडेट, जो कि अपनी नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है उसमें बताया जा रहा है आप लोगों को जल्दी अपनी एक न्यू गन देखने को मिलने वाली है जो कि होने वाली है अपनी USP2। तो यार आप लोग एक अंदाज़ा लगा सकते हो यहाँ पर जो अपनी लाइट कह ली है यार USP2, आप लोग सोच सकते हो कि यहाँ पर दोनों हाथ में शायद आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो यार ऐसी एक लीग है यार, 100% कंफर्म नहीं है कि यार दोनों हाथ में ही आप लोगों को USP आ जाएगी। बाकी यार यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि यार आप लोगों को दोनों USP यार एक साथ पड़ी हुई देखने को मिले, मतलब यार यहाँ पर अपने गन स्लॉट की जो अपना मिनी गन जो अपना हैंड गन स्लॉट होता है उसमें यार आप लोगों को बस एक ही स्लॉट देखने को मिलता है। तो यार यहाँ पर आप लोगों को हो सकता है कि दोनों गन यार एक ही स्लॉट में आपको देखने को मिल जाए। और गाइस यार ये तो 100% ही यार USP2 गन आप लोगों को देखने को मिलेगी, बाकी यार देखेंगे जब अपने गेम में आएगा यार क्या कुछ यहाँ पर रिलेटेड अपडेट निकल के आने वाली है। तो गाइस यार बिना टाइम वेस्ट किया यार आप लोग अपने अपकमिंग न्यू पेट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। यहाँ पर यार जो इन्फॉर्मेशन जो लीक निकल के आ रही है उसमें आप लोगों को बताया जा रहा है कि यहाँ पर आप लोगों को एक न्यू पेट देखने को मिलने वाला है जिसका लुक यार कुछ ऐसा यहाँ पर निकल के आ रहा है। और गाइस यार यहाँ पर जो यार इस पेट की इमेज निकल के आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि यार इस पेट का नाम होने वाला है गॉन, GON गॉन होने वाला है इस पेट का नाम, और काफ़ी सही पेट होने वाला है। वैसे यार अभी स्किल जो है पूरी कंफर्म नहीं हुई है, यहाँ पर यार एक इमेज ही यहाँ पर सिर्फ निकल के आई है। तो यार इससे यार आप लोगों को मैं बता सकता हूँ एक अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि यार ये एक पेट यार काफ़ी सही पेट होने वाला है, और मतलब लुक के हिसाब से यार काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक दिया जा रहा है। और गाइस यार जैसा कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है कि यार ये पेट जो है यार थोड़ा बहुत एलियन से रिलेटेड दिखाया जा रहा है यहाँ पर। और यार इस पेट में यार आप लोग देख सकते हो यार इसके नीचे यार एक सर्फ बोर्ड टाइप यार यहाँ पर कुछ दिखाया जा रहा है, और यार ये सर्फ स्लाइड कर रहा है। तो यहाँ पर यार आप लोग कुछ अंदाज़ा लगा सकते हो कि यार ये हो सकता है कि इसकी स्किल जो है यार सर्फ बोर्ड, और बाकी यार जब गेम में आएगा तब देखेंगे यार क्या कुछ इसकी स्किल होने वाली है, कैसा कुछ ये पेट होने वाला है। और बाकी यार लुक के हिसाब से तो यार काफ़ी ज़्यादा अच्छा पेट दिया जा रहा है, आप लोगों को भी यार काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो गाइस यार अब बात कर लेते हैं हमारे फ्री फायर में आने वाले कुछ नए कैरेक्टर्स के बारे में। यहाँ पर यार जो लीग निकल के आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि आप लोगों को यार अपकमिंग 2 न्यू कैरेक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं, और साथ ही साथ अपना एक न्यू इलाइट कैरेक्टर देखने को मिलने वाला है। और गाइस यार जो अपना मेल वाला कैरेक्टर होने वाला है वो होने वाला है अपना MR1, जो कि यार कोलैबोरेशन में आप लोगों को एक देखने को मिलेगा अपने मोहम्मद रमदान से। ये कोलैबोरेशन यार आप लोगों को जल्द ही देखने को मिलने वाला है, इसी के रिगार्डिंग यार आप लोगों को MR1 कैरेक्टर देखने को मिलने वाला है। और गाइस यार इसके रिलेटेड यार आप लोगों को एक फुल वीडियो बना के दे दी, अगर आप लोगों ने यार वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो यार आप लोग जाके देख लो। साथ ही साथ गाइस यार यहाँ पर एक फीमेल कैरेक्टर भी निकल के आ रहा है जिसकी यार अभी स्किल कन्फर्म नहीं की गई, और यार यहाँ पर यार आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके का अपना फीमेल कैरेक्टर होने वाला है। और गाइस यार साथ ही साथ यहाँ पर अपना जो न्यू इलाइट कैरेक्टर निकल के आ रहा है वो होने वाला अपना इलाइट एंड्रयू हो रहा है। आप लोग तो जानते ही हो कि यार एंड्रयू कैरेक्टर यार बहुत ही ज़्यादा पुराना कैरेक्टर है हमारे फ्री फायर में, यार बहुत ही ज़्यादा पुराना कैरेक्टर है एंड्रयू। तो यार इसी के रिगार्डिंग यार आप लोगों ये एंड्रयू कैरेक्टर इलाइट एंड्रयू जो है आप लोगों को फ्री में देखने को मिल सकता है, और यार वैसे भी एंड्रयू कैरेक्टर यार सभी बंदों के यार फ्री में दिया जाता है। और गाइस यार आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब यार अपनी जो इलाइट कैली आई थी उसी से रिलेटेड यार अपना हयातो भी इलाइट हुआ था, उसके बाद यार आप लोग देख सकते हो एंड्रयू भी इलाइट हुआ था। मतलब यार यहाँ पर जो स्टोरी में जितने भी कैरेक्टर दिखाए गए यार आप लोगों को सभी कुछ इलाइट कैरेक्टर देखने को मिलने वाले हैं। तो गाइस यार अब आप लोग सोच ही सकते हो कि जो अपने नेक्स्ट इलाइट कैरेक्टर होने वाले हैं वो या तो हमारा मैक्सिम कैरेक्टर होगा या तो हमारी जो मोको कैरेक्टर है वो इलाइट हो सकती है। तो गाइस यार आप लोगों को यार वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, सी यू।